मुरी को बहुत तेज भूख लगी। झाल मुरी सुन के ही बेचैनी, पहले मोमो सुन के बेचैनी थी, आज हम यूपी वाले खाएंगे बिहार की झाल मुरी। हां बाय बाय। शांति जी कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। बात आप इतना धीरे बोलती है ना, फास्ट बोलो, माइक लगा लीजिए, है ना ब्यूटी। हां तब क्या, कल मासी और बेटी की जोड़ी देखना आप लोग, क्या मस्त जमेगी। तो अब प्रियांश जो है एक साल का हो गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी आ गए जी हम लोग केक शॉप पर, और यहाँ पर देखा जा रहा है केक का कैटलॉग। इधर का खत्म हो गया सब में कोई भी। अच्छा डिजाइन देख लो, फ्लोर हो जाएगा इसके ऊपर, देखो कोई बढ़िया सा डिजाइन फर्स्ट ईयर वाला। अच्छा गूगल से निकाल के देंगे, यो निकाल देंगे, सब फोटो ले लीजिए जाए। लेकिन यहाँ नंबर, हाँ इंस्टाग्राम पर भी अभी कर सकते हैं, इस नंबर पर फोटो भेज दीजिए, कितना पड़ेगा। ठीक ठीक। तो फाइनली हम भैया के सलून में आ चुके हैं। तो भैया आपका सलून कहाँ है? मेरा सलून दौलत राम चौक पे है, नियर राजश्री ज्वेलर्स में है। हाँ तो ये बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे आपको अगर मेकअप करवाना है या कुछ भी करवाना है तो आप आ सकते हो, और यहाँ पे आपको ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी मिल जाएगा, रेंट पे भी मिलता है भैया। हाँ रेंट पे वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। बेसिकली क्या मेकअप तो हम करते ही है। हाँ मेरे सैलून में 10-10, 15-15 मेकअप रहता है एक एक दिन में। हाँ। और उसके बाद आउटडोर सर्विस भी आपको मिल जाएगा, जैसे होम सर्विस हो गया कटिहार, तो कटिहार से बाहर का भी मिल जाएगा। हाँ। हेयर केमिकल में आप जितना कुछ पूछेंगे वो मिल जाएगा। हाँ। बोटोप्लेक्स से लेकर के K9 से लेकर के गैलुक से लेकर के वाला प्लेक्स से लेकर के सारा कुछ मेरे पास मिल जाएगा। मुझे तो आपके बारे में पता था ही, लेकिन कोमल दीदी ने मुझे आपका रिव्यू और अच्छे तरीके से दे दिया। ट्रीटमेंट यहाँ पे जो भी करवाना है सब बहुत अच्छा। मैं आई तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। फाइनली हम लोग की सारी शॉपिंग हो गई, अब झाल मुरी खाएंगे फिर चलेंगे घर। दीदी को बहुत तेज भूख लगी। झाल मुरी सुन के ही बेचैनी, पहले मोमो सुन के बेचैनी थी, मोमो सुन लिया था तो लोग कहते कम मोमो खा लो, अभी झाल मुरी सुन लिया। अब झाल मुरी खा के चुपचाप घर चलना है, मोमोज कल ठीक है, परसों कल तो अपनी पार्टी में जो होगा वो खुशेंगे। हाँ मोमोज तो हमारे घर के बगल में ही है ना, इसीलिए ये थोड़ा दूर पड़ेगा आपको। विजया दीदी जा रही है झाल मुरी लेने के लिए। झाल मुरी इतना जिया दीदी ने बोला है कि मुंह में एकदम पानी आ रहा है। झाल मुरी बनना स्टार्ट हो गया है। आज हम यूपी वाले खाएंगे बिहार की झाल मुरी। हाँ। सबसे खास बात क्या है ना कि सबका फोन मेरा 3% इनका 2%, पैसे की भी दिक्कत है ना, ऑनलाइन में सब कुछ लेके आए। हमारा झाल मुरी टेस्टी टेस्टी था। यहाँ पे कैश लेके कोई भी नहीं आया था, तो ऑनलाइन पेमेंट ही हुआ। दीदी के फोन की बैटरी बची थी तो साक्षी दीदी ने ही किया। कैश की बड़ी किल्लत है यहाँ पे। हमने जी 5 सुपारी भी ले लिया, बाकी केक का ऑर्डर भी दे दिया है, वहाँ शाम 6 बजे के करीब आ जाएगा। और मिठाई लेना है पूजा के लिए तो सामने में ही होटल है, चल करके ले ले। गजब तेजी में चला रहे थे भाई। सारी खरीदारी करने के बाद भी अब आ गए हैं सैलून, तो जल्दी से अपना हेयर कट करवा लेते हैं, शेव करवा लेते हैं, जिसको किए हुए बहुत दिन हो भी गया है। तो साथ में दोस्त भी आए हुए हैं, वो वेटिंग में है अभी, पहले इधर हो जाएगा। तो हमारा दोस्त श्रेयांश के पापा जी को तो अभिषेक कैमरा उठाया है, जरा देखे सर आपका भी चेहरा। अभी कुछ देर में अभिषेक आएगा तब हम ब्लॉगिंग का दिमाग संभाल लेंगे। बोलो वो तुम्हारा नंबर हम ही लगा दिए हैं। चलो ठीक। तो हमारा सेव हो गया जी, हेयर कट हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद चलते हैं घर, पहले लॉक खोले गाड़ी का, और वहां जा करके जो है सभी के खाने का जो है इंतजाम भी करना है, खाने का तो इंतजाम है ही, बस जा करके सभी को खिलाना है जल्दी जल्दी। थोड़ा सा दिखा दो मुझे। हाँ। सब मैं अकेले जा रहे, हम भी थोड़ा दिख ले। हाँ। मेन था उसके दिमाग था की मेरी बहू चुरा के ले जाए। माँ का भी ब्लाउज लाए थे, अपना भी ब्लाउज लाए थे, अपना ब्लाउज लाए, हो सकता है मेरा ब्लाउज सर कर दे, इसलिए हम अपनी बहू का सर्च कर सर्च क्या करें, सबको सब कुछ आपका है, एक दूसरे से। हाँ, सही बात, जितना अनुकूल रहिएगा हम उतना फायदा हो। रियांश बाय, बाय रियांश, बाय। हम लोग भगवान का गीत गाए अभी।
शांति जी कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा सच में बहुत अच्छा। झूठ मत बोलिए। क्यों झूठ बोलने ही मिली में क्या बात है, मुझे कुछ कहलवाना क्या चाहती हो ये जोर किया है। नहीं सच में बहुत अच्छा लगा। जिया थी नहीं तो पूछ लीजिए मौसी जी से, मैं गुलाब जामुन खुद लेके आई और गीत गाए हैं हम लोग। मम्मी फोन की दिखी है ढोलक कहीं से लेके आओ? ढोलक नहीं हुआ, मौसी जी लगा कि हम पहली बार आए। नहीं नहीं बहुत तभी अच्छा, नहीं बिल्कुल नीचे बैठ के खूब मस्ती की है। पूछने भी गई थी कोई काम होगा तो बताइए, काम भी करने की तैयार थी। बताओ हम तो मस्त हैं, तुम जानती हो जब कहती है कोई काम करे तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, निकालना पड़ रहा है। आधा घंटा में बैठेंगे हम लोग। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बोला, इतना पास से ले रही है ना, ब्यूटी का इतना सुंदर चेहरा ना, वो भी इतना बात है। आप इतना धीरे बोलती है ना, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा। माइक लगा लीजिए, है ना ब्यूटी? हाँ तब क्या, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा। उनसे एडिट करने वाले, ये जो हमारी दीदी है ना, इनको ना ब्लॉग व्लॉग बनाना है, सब अपने में घुसी हुई है, बोर हो रही है ना दीदी? नहीं अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लगे ना आपको खाना खाने। और ये जो हमारी छोटी सी है, इसका थोड़ा सा तबियत खराब हो गया, ट्रैवल करने में बीमार हो। खाने में क्या क्या है आज के खाना में? है वेज कुत्ता, पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, पापड़, सलाद, मिक्सी रोटी। अच्छा अच्छा फलको, वाह बहुत है भैया। यहाँ आप लोग क्या बना रहे हैं? रोटी फलको बना रहे हैं, फलको बना रहे शांति दीदी उनको पहचाने आप पहचानी वो उनको? हाँ ये भैया को मैं सुबह में मिली थी। कौन है पता है? मेरे देवर है। बाबू को प्लेट दीजिए, बाबू को प्लेट दीजिए, जीजू को बुला के हम लोग काम करवा रहे हैं। कंप्लेन हुआ कि मम्मी बाबू को प्लेट नहीं मिला। अच्छा बाबू कितना खाएगा? इसमें खाएगा, इतनी सा खाएगा, प्लेट में खाएगा। फूल मजे करने वाले हम लोग, इतने सारे लोग मिले हैं, पतल में खाएंगे, मजा करेंगे। मम्मी क्या पहनने वाली है आप? कल हम जींस टॉप पहनने वाले हैं। अपने वालों तुम लोग पहन लोगी साड़ी है कि नहीं? है कल मासी और बेटी की जोड़ी देखना आप लोग क्या मस्त जमेगी। ये देख सकते हैं हमारी प्यारी सी दीदी को। क्या कर रही है दीदी? मैं तो ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। क्या कर रही है? ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। अच्छा ब्लॉग एडिट कर रही हैं आप? जी हाँ, ना मेरे को बोल बोल के दीदी तेज बोलो, यहाँ पे तुम्हारा बोलना सिखा रही हूँ। क्योंकि आप जो बोल रही है ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हमारे कैमरे में होंगे उनको सुनाई नहीं देगा, उनको भी सुनना जरूरी है ना। हाँ तो मैं अभी बोलना सीख जाऊंगी जिया की वजह से। नहीं सुना नहीं है, अभी क्रियांश 12 बजने वाला है, केक कुक का डेकोरेशन किया जाए। भैया को बोल दीजिए अभी 12 बजने में बस 10 मिनट है। और छोटा क्या कर रही है? मैं तो इतना तब से हंसे जा रही हूँ। शांति दीदी अभी भी सामने देख के मुझे हंसा रही है। और ब्यूटी अपना फोन पे लगी हुई है क्योंकि वो चैनल अपना प्रमोट करना चाह रही है। और दीदी आप बताइए तो प्लीज इनके चैनल को। हाँ मेरी आईडी है ब्यूटी चंदन तिवारी, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं मैं देखूंगी, मैं देखूंगी, कटना नहीं, मैं देखूंगी, कटना नहीं चाहिए। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इतना इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना मस्ती कर रहे हैं ना कि पेट में ना दर्द ऐसा हो रहा है, मेरे को पाम लगा है, कोई बिलीव करेगा, लेकिन नहीं नींद नहीं आ रही है क्योंकि जिया का साफ कहना है जब तक ये जान लगे रहो। दूसरी चीज है दीदी हमसे बड़ी है और बड़ी बहनों जैसा ट्रीट कर रही है। समझदार भी हूँ बहुत बहुत बहुत, ये रियल में मैं है, मतलब दीदी बहुत नहीं हूँ, दिखती नहीं हूँ समझदार, बट मैं हूँ समझदार। मैं समझ रही हूँ, बस कैमरे में मैं क्यूट नहीं लगती, मैं रियल में भी बहुत क्यूट है ना दीदी? क्यूट देखिए नजर लग जाएगी। और हमारी छोटी सी प्यारी सी बहना ऊपर में दो बच्चों को संभालते हुए, गोलू गोलू कैसे सोई है? बोलो सोई है हमारी छुटकुसी, सोने दीजिए ना दीदी। सुजा बेटे का बर्थडे और उठा दे। हैप्पी बर्थडे, अभी अभी टाइम अभी 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम, इन एडवांस सारा क्रेडिट इनको ही लेके जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट मीटअप है ना सबसे। ब्यूटी बहुत बहुत पहले से एक्साइटेड है ना ब्यूटी? हाँ, बहुत पहले से मुझे लगता है ना, प्रियांश 6 मंथ का था उस टाइम से। इसका तो कंफर्म था कि हम तो आएंगे। हाय दीदी बिजी है तो थोड़ा जल्दी से आप काम निपटा लीजिए, ठीक है? फिर सब मिलके धमाल मचाएंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम तो आना ही होगा, नहीं आओगी कैसे? है दीदी आप तो आएंगी ना? मैं तो यही मैं सोच रही हूँ, रह ही जाऊँ, रह जाओ आप, क्योंकि हम मुझे भी बड़ी वाली बहन है वो वाला जो है, ब्लॉग एडिट भी कर रही हूँ। ठीक है कर लीजिए फिलहाल, जल्दी 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 मुझे ब्लॉग एडिट करना है। प्रियांश और प्रियांश के भाई ऊपर में लगे पड़े हैं।
तो 12 बजने में जो है मात्र 5 मिनट बचे हैं और जाते हैं जल्दी से केक सब लाते हैं और सारा अरेंजमेंट करते हैं। फिर हम लोग क्रियांश का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और क्रियांश इधर बर्थडे बॉय को देख लीजिए, ये अपनी दुनिया में अभी है। ओए होए क्या चल रहा है, ये पांडा को बार बार उठाता है, उठाना पटकना बस वही चलता रहता है पांडा को। और उसका अपना ट्रक है, वाह, अब उसके ट्रक के पीछे जा रहा है। यहाँ पर कौन सा टिप्स हो रहा है साझा, फिल्टर लग रहा है, ये कौन सा फिल्टर अच्छा है। तो अभी बज चुके हैं जी 12:05, तो जल्दी से लाते हैं केक को और व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा क्योंकि कोई और जगह मिल नहीं रहा है और सारा जगह जो है पूरा ऑक्यूपाई है, किसी जगह सब्जी है तो किसी जगह टेबल है, किसी जगह कुछ है, तो सबसे अच्छा जो हम लोगों को यही लगा और यहाँ पर जगह भी है अच्छा। हाँ ये बिछा दिया जाए तो और अच्छा लगेगा फिर। तो आप खुद देख लीजिए इतने सारे फो, अरे साक्षी जी का पोज देखिए एकदम, वो एकदम इतने सारे सेलिब्रिटी के ऊपर सब लगे हुए हैं। इसको रखा जाए, बस बस बचा के रखना, बस 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 मुंह में ले गए इसको, पहले ही बर्थडे मना लेगा अच्छे से। भाई क्रियांश जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब कहेगा मेरा बर्थडे है, कोई केक नहीं छुएगा। तो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बस अब केक कटने का इंतजार है। स्प्रे का जिम्मेदारी जो है कुछ कुछ ले लीजिए जो भी उठा सकते हैं। तो जी क्रियांश का यह छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और सुबह सुबह जो है पंडित जी भी आने वाले हैं। खाया भी नहाया भी दोनों काम हो गया के। तो अब ऐसा करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा करते हैं जी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।